अरे बापूजी और टप्पू दोनों सो रहे, इनकी थोड़ी मस्ती करता हूं। सो रहे थे तभी। क्यों? आपको खुशखबरी देना बापूजी कि आज मुझे कोई सपना नहीं आया। बापूजी टप्पो, बापूजी टप्पो। सपना नहीं आया तो इतनी जोर से चिल्लाया क्यों? ऐसे ही मस्ती में। ये मस्ती वाली, तेरी मस्ती की वजह से मुझे यह ध्रास का पड़ गया। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन मजा आ गया बापूजी। अरे सुबह उठा तो मैं एकदम नॉर्मल उठा, एकदम कोई चीख नहीं कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि अरे वो ये तो अच्छा हो गया, रात को कोई सपना ही नहीं आया, एकदम मस्त चैन की नींद सोया बापूजी। चलो हाश। वाह पापा, नानी माँ का नुस्खा तो काम कर गया। अरे सासू माता जादूगरणी है टप्पो, जादूगरणी। उन्होंने बराबर बोला था, किसी का भला करो तो तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। हाँ, वो तो है। जो लोग अपने दुख को भुलाकर निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं ना, उनको हमेशा अच्छी नींद आती है। इसलिए हमेशा बिना स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी की मदद करके जो एहसास मिलता है ना, वो भगवान के दर्शन समान होता है। अरे बापू जी, कल मुझे बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ। जब वो बच्चे को मैंने देखा तो मुझे ऐसे ही लगा साक्षात भगवान आके खड़े हैं मेरे सामने। टप्पू बेटा, तू भी ये बात हमेशा याद रखना, किसी की भी मदद करने में कभी भी पीछे मत हटना है, और निस्वार्थ भाव से ही मदद करना। हाँ हाँ दादाजी, और कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वाह टप्पू, दादाजी ने सिखाया है। शाबाश टपूड़ा, शाबाश। वाह, देखा जेठिया, मेरे टप्पू को सब याद रहता है। अरे बापू जी, आखिर पोता किसका है? चलो भाई, तेरी मेरी सबकी परेशानी दूर हो गई है। अच्छा जेठिया सुन, ये तेरे सपनों के प्रॉब्लम दूर करने के लिए जिन जिन लोगों ने तेरी मदद की थी ना, उन सबको बाद में फोन करके बता देना कि तेरा प्रॉब्लम दूर हो गया है। अरे बाद में क्यों बापू जी, अभी कर देता हूँ ना सबको फोन। आप ही कहते हैं ना, सुभाष से गाय। सुभाष से गाय नहीं, सुभाष से शीघ्रम। अरे हाँ सॉरी सॉरी, अरे हाँ, ये कहाँ से आ गए? सुभाष गाय जी तो डायरेक्टर है। नहीं नहीं, बरा सुभाष से शीघ्रम। ठीक है, तो सबसे पहले बबीता जी को फोन कर देता हूँ बापूजी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही हमारी मदद की ना, और डॉक्टर सारा मैडम का वो फोन नंबर दिया, वही उनके फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड। अरे लेकिन जी क्या, बबीता बेटी के पहले तो तू हाथीला से मिलने गया था ना? हाथी भाई ने बापूजी हाथ ऊपर कर दिए थे कि ये मेरा विषय ही नहीं है, और वो डॉक्टर सारा मैडम का नंबर हमको बबीता जी ने दिया था ना, सबसे पहले मदद दरअसल बबीता जी ने हमारी की। ठीक है ठीक है, तू कर जैसे भी करना है कर। हाँ हाँ, उनको ही कर। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं आपको सुबह सुबह तंग तो नहीं कर रहा हूँ? कर रहा है। कौन? अरे कौन क्या जेठालाल, मेरा आवाज नहीं पहचाना? अरे अय्यर भाई आप, अच्छा लगता है फोन स्पीकर पे है। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाय गुड मॉर्निंग, बताओ कौन सा सपना देखा? अरे एक भी नहीं अय्यर भाई, एक भी नहीं। व्हाट रियली? हाँ हाँ बबीता जी, कल रात मुझे एक भी सपना नहीं आया, मैं एकदम चैन की नींद सोया। वाओ, नाउ दिस इज अ रियली गुड न्यूज। चलो अब तो तुम्हारा टेंशन दूर हो गया ना? अरे दूर मतलब टेंशन एकदम उड़न छू हो गया अय्यर भाई। चलो अच्छा है,
बबीता अभी जयदलाल परेशान होकर हमारे घर पर नहीं आएगा। हाँ बराबर, अभी मैं परेशान होकर नहीं खुशी खुशी आऊंगा। जेठा जी यूर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू बबीता जी, ने सच में मेरी मुश्किल घड़ी में आपने और अय्यर भाई ने जो मेरी मदद की है उसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है बबीता जी। क्या जेठा जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। मतलब एक दोस्त की मुश्किल घड़ी में दूसरा दोस्त उसकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। वाह 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 बबीता जी वाह, कितनी ऊंची सोच है आपकी। वाह वाह, अरे जेठा जी थैंक यू सो मच।